हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ का जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा था। आज हम देखेंगे कि अगर हमें एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। लेट अस सी। सपोज हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, मान लीजिए 4 और 6, और हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करना है देखिए। सबसे पहले 4 का साइन देखिए, 4 में कोई साइन नहीं तो प्लस साइन मानेंगे, और यहाँ देखेंगे कि ये साइन सेम है या अपोजिट है। सबसे पहले हमें ये डिसीजन करना है कि ये जो साइन लगे हुए हैं ये सेम है या अपोजिट। तो हमें जवाब मिला ये कैसे हैं, अपोजिट है। और अपोजिट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। अपोजिट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट का मतलब हमें बड़े में से छोटा माइनस करना है। बड़ा कौन है, 6, छोटा कौन है, 4। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। अब अगर तू प्लस का आएगा या माइनस का, तो देख लीजिए बड़ा वाला कौन सा है, तो बड़ा वाला माइनस का है, तो यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस का। बहुत ही सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमें कुछ नहीं करना है। हमें ये देखना है कि जो दो नंबर हमारे पास दिखे हुए हैं उनके साइन सेम है या अपोजिट। यहाँ तो फिलहाल अपोजिट आ रहा है, अपोजिट का सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दीजिए, और जो बड़ा नंबर आपको देखने में लग रहा है उसका निशान देखिए, क्या माइनस तो है माइनस लगेगा, अगर प्लस का हो तो प्लस लग जाएगा। अब जैसे मैं अदर क्वेश्चन देता हूँ, जैसे अगर मान ली माइनस का 4 गया और उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि अगर माइनस का 4 और 6 है तो इन दोनों की साइन क्या है, सेम है। इन दोनों की साइन क्या है, सेम साइन, और सेम साइन को बोलते हैं ऐड। तो बताओ 6 और 4 को ऐड करो तो 6 और 4 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, तो आंसर आया 10। अब आता है कि इसमें साइन क्या का आएगा, तो साइन दोनों का देख लीजिए, अगर एक जैसा ही है तो कॉमन साइन लगेगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो कॉमन साइन क्या आया, माइनस का। तो ये साइन कौन सा लगेगा, कॉमन साइन, कॉमन साइन। यहाँ कौन सा लगा, जो बड़ा था उसका साइन लगा, ठीक है, साइन ऑफ बिगर नंबर, जो बड़ा देखने में लगेगा यहाँ कॉमन साइन आएगा। इसके बाद अगर हमारे पास मान ली पहला नंबर पॉजिटिव है और सपोज दूसरा नंबर निगेटिव है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अगर दो माइनस एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर दो माइनस एक साथ आएंगे तो हम क्या मानेंगे, प्लस। अगर एक प्लस है बाहर अंदर माइनस है तो अंदर माइनस आएगा, और बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस आएगा, और अगर दोनों प्लस है तो आंसर क्या आएगा, प्लस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर दो साइन एक साथ आ रहे तो उन्हें किस तरह सॉल्व करना है। ये हमारा आंसर आ गया, 10 आ गया। अब अगर दोनों ही निगेटिव है, जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, ये हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया था, ये हमने थर्ड क्वेश्चन लिया था, अब फोर्थ हम लेने जा रहे हैं, दोनों निगेटिव, जैसे माइनस का ही 4 है और उसमें से माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 4 में से माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करना है, तो माइनस का 4 लिया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ प्लस का 6 आएगा। फिर से देखिए अपोजिट साइन आ रहा है, तो अपोजिट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट बाय 2, और बड़े का निशान आएगा, तो बड़े का निशान क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का 2। तो जो बड़ा नंबर है उसी का साइन क्या आ जाएगा, अगर एक जैसे तो कॉमन साइन आ जाएगा, एक जैसे अगर दोनों प्लस के दोनों माइनस तो कॉमन साइन आ जाएगा, जैसे यहाँ देखा दोनों प्लस के तो कॉमन साइन आ गया, है ना, यहाँ भी दोनों माइनस के हैं एक जैसा है तो कॉमन साइन आ गया। इस तरह से हमने देखा कि हमें किस तरह से इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।